हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का जैसे टाइटल आपने देख लिया होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के बारे में है ये। इस वीडियो में हम बैचलर प्रोग्राम की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी, ये बीइंग अ यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। इट इज़ नॉट ईजी टू सम अप ऑल द कोर्सेज इन अ सिंगल वीडियो, सो वी ट्राइंग टू मेक स्मॉल स्मॉल डिफरेंट वीडियोज़ एज़ पर द यू नो सब्जेक्ट्स। जैसे इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इंजीनियरिंग रिलेटेड बैचलर प्रोग्राम के लिए, जो कि सितंबर इनटेक के लिए ओपन है एंड फॉर जैन आल्सो ओपन है, ठीक है ना। एंड आईएएस की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 की है। $100 एप्लीकेशन फ़ीस है, बट इन बिटवीन हमारे पास ऑफर चलती रहती हैं। और रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस करंटली चल रही है 50% ऑफ, बट आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देखोगे, कब आप हमसे अप्लाई करोगे। बट अगर जब आपने हमसे अप्लाई किया तब भी ये ऑफ़र हमारे पास हुई, तो विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट यू। और जो कोर्सेज के बारे में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, उनका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, और हमने पहले ही पोस्ट कर दिया है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। ऑलमोस्ट आई थिंक वीक से पहले, एक हफ्ते पहले पोस्ट हो जाता है। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप यहाँ से फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। ओके जी, सो प्रोग्राम जिसके बारे में बात करेंगे, फर्स्टली है बैचलर ऑफ साइंस। ये हम बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग, इस वीडियो में सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट ऑप्शनल कोऑप के साथ, 4 साल की बैचलर्स हैं सारी, ठीक है। और फिर आ जाता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग जनरल। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने मैथ में नंबर आपने ज़रूर चेक करें, वैसे तो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, बहुत बार हमें एडमिशन भी मिल जाती है। एंड जब इनकेस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, देन वी गेट कन्फ्यूज, कह रहे भाई क्यों रिफ्यूज़ हो गया, मैं तो ठीक थी। इवन कई बार बच्चे केप्स भी मंगा लेते हैं, तब भी उसमें रीज़न आ जाता है जी आप एकेडमिकली आप ठीक नहीं थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। समटाइम ऐसे होता है कि वीज़ा ऑफिसर टू वीज़ा ऑफिसर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट समटाइम एक ऑफिसर इस चीज़ पर भी एम्फेसिस दे देता है कि आपके कोर्स सब्जेक्ट मार्क्स अच्छे नहीं है। तो कोशिश करें जब भी आप इंजीनियरिंग साइंस के रिलेटेड अप्लाई करें कुछ प्रोग्राम में, तो उसमें आपका मैथ में नंबर अच्छा होना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको प्रोग्राम बताए हैं, उनमें आपके मैथ के नंबर अच्छे होने चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग जनरल ऑप्शनल ग्रुप के साथ, इसमें मैथ में नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस एंड एनवायरमेंटल सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें केमिस्ट्री में नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री रिलेटेड थोड़ा प्रोग्राम है। और फिर आ जाता है जी बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें भी मैथ नंबर अच्छे हों, ठीक है, लाइक ओवरऑल भी अच्छे हों, बट अगर यहाँ पर कम है तो कोई और प्रोग्राम चूज़ करें। और फिर आ जाता है जी बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग, और सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट ऑप्शनल कोऑप के साथ हैं, इंटरव्यू बेस होते हैं, इफ़ यू क्लियर इट आपको मिलता है, अगर नहीं तो नहीं। ओके, इसमें भी आपके मैथ में नंबर अच्छे हों तो उच्च वीज़ा आने के चांसेस अच्छे रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है जी बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये भी ऑप्शनल कोऑप के साथ है। और आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, ठीक है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में आप रिलेट भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एक डिप्लोमा किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक ITI की हुई है, तो आप इन बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफरेबल करें। मोस्टली हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, किसी बच्चे ने ऑलरेडी डिप्लोमा किया होता है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि एडवांस डिप्लोमा में दें। बट एडवांस डिप्लोमा में भी मैंने लास्ट फ्यू टाइम्स से, लाइक फ्यू मंथ से, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इतना अच्छा सक्सेस रेशियो नहीं चल रहा जितना किसी ने अगर ऑलरेडी डिप्लोमा किया हो वो बैचलर में अप्लाई करे, उसमें ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेशियो चल रहा है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कुछ टाइम से, तो इसलिए मैं, किसी बच्चे ने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हो 3 साल वाला, तो आप प्लीज़ बैचलर डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दें रादर देन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, अगर आपका वीज़ा लगना ही मेन प्रायोरिटी है। ओके जी, एंड सो फार यही कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग के, ये कोर्सेज और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो आने वाली बाकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्पेसिफिक ये प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।